आज का रेसिपी के लिए हम लोग को लगेगा ओनियन, रेड बेल पेपर, कैप्सिकम एंड येलो बेल पेपर। इसको हम छोटा छोटा डाइस में काट लिए हैं, ओनियंस को भी छोटा छोटे तरीके से काट लिए हैं। तो गैस ऑन करते हैं। इसके अलावा लगेगा एग। मैं इसमें दो अंडे को फेंट के रखी हूँ और इसमें मैं डाली हूँ चिली फ्लेक्स। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल के इसको फेंट के रखे हैं। इसमें हम नमक नहीं डाले हैं। अब हम इसमें एक एक करके जो सब्जियां हैं वो डाल देंगे। ब्लैक पेपर, मिर्ची, हम ग्रीन चिली नहीं डाल रहे हैं। ऑलरेडी मैं चिली फ्लेक्स और अंडा को जो घोल के रखा है, फेंट के रखा है, इसमें ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ, तो इसमें अलग से कोई चिली नहीं डाल रही हूँ। वेजिटेबल्स को थोड़ा सा ही सौते करना है, ज़्यादा सौते नहीं करना है, क्योंकि बहुत जल्दी पक जाता है और थोड़ा क्रंची रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम इसको ज़्यादा सौते नहीं करेंगे। अब हम इसमें जो अंडा घोल के रखे हैं वो डाल देंगे। गैस का जो फ्लेम स्लो में पकाने का रीजन यही है कि ताकि अंडा जो है नीचे से जल ना जाए। इसको थोड़ा फैला देते हैं अब, ताकि ऊपर से भी अंडा पक जाए, इसलिए हम इसके ऊपर लीड लगा देंगे। फ्लेम पूरी तरह से स्लो है और इसको हम 2-3 मिनट के लिए रख देंगे। दो तीन मिनट हो गया है। इसको हमें स्क्रैम्बल्ड ही बनाना है। मैं पलट रही हूँ ताकि ऊपर से भी, ऊपर का जो हिस्सा है पूरी तरह से पक जाए। अब इसको हम अच्छे से स्क्रैम्बल कर देंगे। इसे आप चाहे तो ऐसे ही खा सकते हैं या तो ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं।
स्क्रैम्बल्ड एग विद वेजिटेबल इज़ रेडी। आप इसको खा सकते हैं अभी गरम गरम, गरम गरम खाना ही अच्छा लगेगा आपको। अगर ये रेसिपी अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग सा रेसिपी डायरेक्टली मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।